समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी थाना तोड़ी फतेहपुर ग्राम पंछी में रहने वाले प्रधान राजकुमार ने एसएसपी दरबार में अपनी फरियाद सुनाते हुए बताया कि पूर्व में गांव की रहने वाली श्रीमती जयश्री एवं खेमचंद के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें रंजिशन उसे झूठा फंसाने की साजिश रची गई। विवेचना के दौरान थाने के दरोगा द्वारा 1,00,000 की मांग की गई। पैसा ना देने पर मुझे फंसाया गया, जबकि इस झगड़े से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। प्रधान का कहना है कि पुलिस और विपक्षी गणों द्वारा जबरन उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वह ग्राम विकास का कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। प्रधान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि उक्त मामले की विवेचना अधिकारियों से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। राजकुमार प्रधान पूछिए, क्या हुआ आपको? आप हमारा बिल्कुल फर्जी मैटर है, लड़ाई हुई खेमचंद से जयश्री की। 23 तारीख में रिपोर्ट लिखी उनकी, खेमचंद की और उनकी, और 24-25 में हमारे ऊपर मुकदमा, वही डॉक्टर ही लगा दी और सब वही लगा के हमारे ऊपर लगा दी। हमसे दरोगा जी 1,00,000 रुपया मांगने लगी, हमने नहीं दे, हमारे ऊपर ये हते तोड़ी थाना के भी थाना उनका तोड़ी थाना। क्या कह रहे? 1,00,000 रुपया मांग रहे थे, उन्हें लिख दिया, हमने नहीं दिए। फिर हमने एक व्यक्ति को साहब से FIR भी लगवा ली, फिर दूसरा उसकी जांच हो लगी। सब फर्जी मैटर चल रहा है, 1% सच्चाई नहीं है। ना हमारी लड़ाई हुई चांदी से, होते मोहल्ला है, झूठो किस बनो विरोधी बनाए, ना हम विकास का कोई कार्य कर पा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। हम शिकायत SSP खोंदई से देखी।